नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं आपके साथ हूं अनंत पांडे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान पूरे देश भर में चरम पर है। आज विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो रहा है। झारखंड के दूसरे चरण में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। कोडरमा लोकसभा, चतरा और हजारीबाग लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो रहा है। आज हम गिरिडीह जिले के मोतीलेदा पंचायत अंतर्गत बूथ संख्या 159 और 160 पर पहुंचे हुए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि भारी तादाद में यहां पे मतदाता उपस्थित हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2552 बूथों पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें से 1653 बूथों पर गिरिडीह जिला प्रशासन चुनाव संपन्न करा रही है। वहीं 899 बूथों पर हजारीबाग और कोडरमा जिला प्रशासन निर्भीक निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए तत्पर है। वहीं गांडे उपचुनाव के 375 बूथों पर भी उपचुनाव संपन्न हो रहा है। अब हम यहां जानेंगे, काफी संख्या में आप मेरे पीछे देख रहे हैं महिला मतदाता खड़ी है, उनसे हम जानेंगे कि किस विषय को लेकर के मतदान देने के लिए अपने मतदान केंद्र तक पहुंची है। अपना नाम बताइए। आप यहाँ पे वोट देने के लिए कब से खड़े हैं? 7 बजे। 7 बजे से। आप किस आधार पर आप वोट देना चाह रहे हैं? अपने क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं? क्या चीज, जोर से बोलिए। इंदिरा आवास नहीं है, पानी की समस्या है, और क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? आपका नाम क्या हुआ? हाँ जी, इस क्षेत्र में क्या क्या समस्या को लेकर के आप चुनाव वोट देने के लिए पहुँचे हैं? मेरा गांव में दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, चापाकल भी नहीं है, हम लोग पानी खातिर मर रहे हैं। कितना देर से खड़े हैं बूथ? हम लोग 3 घंटा से। सोच करके आए ना किनको वोट देना है? सोच लिए हैं। अच्छा। इसको देना है नहीं देना है, सब लोग सोच के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो अभी आपका सांसद विधायक बनेंगे वो जो है विकास करेंगे क्षेत्र का। उम्मीद है,